हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 सम नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। देयर आर फाइव जॉब्स। कितने जॉब्स दिए हुए? पांच जॉब। देख सकते हो आप ए बी सी डी, ये मेरे पांच जॉब है। ईच ऑफ विच मस्ट गो थ्रू टू मशीन। और सारे जॉब को दो मशीन से होके गुजरना है। कौन से ऑर्डर में? पहला एक्स में, फिर वाई में, ठीक है ना। तो पहला मशीन एक्स में प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर बाद में मशीन वाई से गुजरना पड़ेगा हर जॉब को, ठीक है। तो क्योंकि स्टूडेंट मशीन एक्स को पहले डील करना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। जब मैं जॉब अलोकेट करूंगा तो कैसे करूंगा? लेफ्ट टू राइट, करेक्ट। और मशीन वाई बाद में, इसलिए राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा अलोकेशन के टाइम पे, ठीक है ना। तो ये आपको खास यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स आर गिवन बिलो। जो जॉब के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो आवर्स में दिए हुए मुझे। डिटरमाइन द सिक्वेंस ऑफ द जॉब दैट विल मिनिमाइज द टोटल लैप्स टाइम। तो पूरा काम कंप्लीट होने के लिए कम से कम कितने समय में मैं पूरा काम कर सकता हूँ वो मुझे फाइंड आउट करना है। कौन से सिक्वेंस में करना है मुझे वो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाइंड क्या करना है यहाँ पे? सिक्वेंस, जिसके वजह से मेरा काम जल्द से जल्द हो सके। ऑल्सो फाइंड द टोटल लैप्स टाइम्स बिटवीन लैप्स टाइम्स एंड आइडल टाइम फॉर ईच मशीन। मशीन एक्स के लिए आइडल टाइम कितना रहा, मतलब कितना टाइम ऐसा था जहाँ पे मशीन एक्स आइडल बैठी रही, कुछ काम नहीं था वहाँ पे। कितना टाइम ऐसा रहा जब मशीन वाई ऐसी पड़ी रही, कुछ काम नहीं था, ठीक है। तो वो दो चीज़ मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप है स्टूडेंट, इसमें क्या है? मिनिमम ढूंढना। मिनिमम कौन सा है? यस, मिल गया मुझे मिनिमम। मिनिमम मेरा टू है, विच बिलोंग्स टू जॉब बी और मशीन एक्स। जॉब बी ऑन मशीन एक्स, करेक्ट। तो नोट कर लेते हैं, मिनिमम जो है वो मेरा टू है। किसको करस्पॉन्ड करता है? जॉब बी को, बरूबर ना। इसलिए जो जॉब बी है वो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होगा। जॉब बी मशीन एक्स पे, बरूबर। इसलिए वो सबसे फर्स्ट, कि लेफ्ट टू राइट का फॉर्मेट है ये। जब मैं कॉलम ड्रॉ करूँगा, 1 2 3 4 5, फाइव कॉलम से, ये फाइव कॉलम्स फाइव जॉब के लिए। तो मशीन एक्स को बिलोंग करने की वजह से मैं लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पर मेरा बी अलोकेट होगा। जैसे मेरा बी एलोकेट हो गया स्टूडेंट, ये कॉलम क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अब मुझे देखना है सिक्वेंसिंग में ए सी डी ई, चार जॉब। कितने? चार जॉब हैं। तो द प्रॉब्लम आर रिड्यूस टू फोर जॉब ए सी डी ई नी। और इन सब में जो मिनिमम है स्टूडेंट कौन सा है? वो फोर, करेक्ट। फोर है, और कौन कहाँ बिलोंग करता है? फोर वाई मशीन को। और जो भी अलोकेशन फोर में, जो भी मिनिमम वैल्यू वाई मशीन पर आएगी, तो मैं इसका अलोकेशन कैसे करूँगा? लेफ्ट टू राइट। जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो सबसे पहला ये कॉलम ही ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ए आ जाएगा, करेक्ट ना। तो यहाँ पे आ गया मेरा ये ए, करेक्ट। अब ये भी एलोकेट हो गया ए, तो इसे भी एलिमिनेट कर देता हूँ। अभी कितना बचा? 1 2 3, थ्री जॉब्स बचे। और थ्री में सबसे मिनिमम कौन सा स्टूडेंट? सिक्स, करेक्ट। और कहाँ पर लाइक कर रहा है ये? एक्स। तो कहाँ पर एलोकेट होगा ये? डेफिनेटली यहाँ पर, करेक्ट एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे एलोकेट होना चाहिए क्या? डी, डी यहाँ पे आना चाहिए। देखते हैं इसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हो गया, थ्री जॉब में रिड्यूस हो गया अभी, और सी डी ई बचा खाली, और उसमें मिनिमम कितना था? सिक्स, विच करस्पॉन्ड टू मशीन एक्स। कौन से मशीन को बिलोंग करता है? वो एक्स। इसलिए जॉब डी जो है वो कौन सा प्रोसेस, कहाँ प्रोसेस होगा? इस प्रोसेस नेक्स्ट टू जॉब बी, जॉब बी के नेक्स्ट में ये प्रोसेस होगा। तो हमें सीक्वेंस जो मिलेगा वो ये मिलेगा, बी पी डी और यहाँ पे ए, ठीक है। तो डी भी एलिमिनेट हो गया। अब मुझे डिसाइड करना है सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में डिसाइड करना है मिनिमम कौन सा है स्टूडेंट? एट। दो जॉब रहेगा, दो जॉब में जो मिनिमम है वो मेरा एट है। एट बिलोंग्स टू वाई मशीन, इसलिए इसका जो अलोकेशन होगा वो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में यहाँ पर मेरा आएगा इस समय, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? ई, करेक्ट ना। लेफ्ट टू राइट, तो ये तो ऑलरेडी एलोकेट है। लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे मुझे ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है वो टू जॉब्स में रिड्यूस हो गया। कितना स्टूडेंट्स? टू जॉब में यहाँ पे रिड्यूस हो गया, जो कि सी एंड ई है, और मिनिमम इसका वैल्यू एट है, जो करस्पॉन्ड्स टू मशीन वाई है। इसलिए जो जॉब ई है, जॉब ई जो है वो सब क्या बोलते हैं, लास्ट में प्रोसेस होगा नेक्स्ट जॉब ए। जॉब ए के बाद में जो नेक्स्ट जो पोजीशन खाली है वहाँ पे जॉब ई मेरा लाइक करेगा, ठीक है। द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑप्टेन इज एज फॉलो। स्टूडेंट यहाँ पे जब ई लाइक करे तो एक ही ब्लैंक स्पेस बचा है, वहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? सी, ठीक है ना। तो मैं पूरा सिक्वेंस कम्प्लीट कर सकता हूँ। ये ई लिख दिया मैंने, अभी खाली सी बचा, जो कि नेक्स्ट जॉब डी बोलो,
या फिर नेक्स्ट जॉब, ई भी बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो। तो सी मैंने नोट डाउन कर दिया यहाँ पे, तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड सीक्वेंस मिल गया, करेक्ट। सीक्वेंस तो मुझे पूरा मिल गया। अभी क्या करना है स्टूडेंट, आइडल टाइम फाइंड करना है, टोटल लैप्स टाइम फाइंड करना है, करेक्ट। तो ये मेरा सीक्वेंस हो गया और ये मेरा ओरिजिनल टेबल हो गया। अभी इन दोनों की मदद से मैं मेरा बड़ा वाला फॉर्मेट बनाऊंगा टेबल का, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, सीक्वेंस को मैंने ऑर्डर में लिख दिया सबसे पहले बी, करेक्ट ना, देख सकते हो बी था तो बी, फिर डी तो डी लिख दिया, सी तो सी लिख दिया, फिर ई तो ई नोट डाउन कर दिया, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से ए, यहाँ पे भी मैंने ए लिख दिया, ठीक है, सीक्वेंस में लिख दिया। अब मुझे वो सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे एलोकेट करना है काम, क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ है, इसके पहले कोई काम नहीं था, तो यहाँ पे टाइम इन कितना होगा स्टूडेंट, जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने कोई काम नहीं किया था। टाइम मेजर करना कितना टाइम लगा, इसलिए जीरो से कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट। तो बी को कितना टाइम लगा, मशीन एक्स में टू, तो मशीन एक्स का जो आउट टाइम होगा कितना होगा, टू होगा, बराबर ना, 0 आवर्स से स्टार्ट हुआ था, 2 आवर्स में कंप्लीट हो गया, तो टू यहाँ पे लिख दिया मैंने, 0 प्लस 2 टू। और प्रोसेस बी में कितना टाइम लगेगा, 14, सॉरी 12, बराबर ना, तो 2 प्लस 12 कितना हो गया स्टूडेंट, 14, ओके। तो ये मेरा जॉब भी कंप्लीट हो गया, जैसे जॉब भी मशीन एक्स में कंप्लीट हुआ तो वो क्या करेगा, जॉब डी को हाथ में ले लेगा उसी टाइम पे, तो ये टू मेरा यहाँ पे कंटिन्यूटी में आया। और जॉब डी को कितना टाइम लगा स्टूडेंट, 6 आवर्स, तो 2 प्लस 6 क्यूब में 8, तो मैंने यहाँ पे 8 नोट डाउन कर दिया, ठीक है। और मशीन वाई में इसको 16 आवर लगा। अब मशीन वाई में आप देख सकते हो ये 8 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मशीन वाई में पहले वाला बी का काम चालू था, 14 आवर्स के बाद में मेरा काम कंप्लीट हुआ, तो भले मेरा डी जल्दी हो गया बट मुझे यहाँ पे 14 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 14 आवर्स के बाद में मैं जॉब डी ले सकता हूँ, इसलिए मेरा 8 यहाँ पे नहीं आएगा, 14 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 14 प्लस कितना था यहाँ पे, 16, करेक्ट। तो 14 प्लस 16 गिव मी 30, तो यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया, ओके। डी कंप्लीट होने के बाद में मैं मूव करूँगा सी पे, सी को कितना टाइम लगता है, सी को देखो लिया हुआ 18, तो ये 8 पे कंप्लीट हो गया था, 8 प्लस 18 कितना हुआ स्टूडेंट, 26, कितना हो गया, 26, बराबर। 26 होते ही एक काम वाई, मशीन वाई के लिए सप्लाई कर देगा, बट मशीन वाई का काम क्योंकि ऑलरेडी चालू था तो वो काम कंप्लीट होने पर ही जॉब सी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया क्योंकि काम पेंडिंग था, ओके। उसके बाद में मशीन वाई में जब जॉब सी आएगा तो कितना टाइम लगेगा उसे, 14 आवर्स, करेक्ट। तो 30 प्लस 14 गिव मी 44, ओके। अभी जैसे जॉब सी कंप्लीट हो गया मशीन एक्स में, तो क्या करेगा, वेट नहीं करेगा मशीन एक्स, क्या करेगा, से नेक्स्ट जॉब ले लेगा जो कि है अपना ई, ठीक है। तो 26 आवर्स में मशीन ई ने जॉब ले लिया, ठीक है ना। तो उसको कितना टाइम लगा, 20, तो 26 प्लस 20 गिव मी 46। अभी आप देख सकते हो कि मशीन वाई का जो काम था वो 44 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो ये काम स्टार्ट कर सकते हैं क्या 44 से ही, नहीं, क्यों, क्योंकि काम आएगा तो स्टार्ट करेगा ना। तो 46 जब, जैसे ये जॉब ई जब आया 46 आवर्स के बाद में, तो मशीन वाई में वो एंटर करेगा, तो ये आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो 46 से स्टार्ट करेगा, कितना टाइम लगा ई को, ई को टाइम लगा 8, तो 46 प्लस 8 गिव मी 54, तो यहाँ पे आ गया 54, करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट जॉब मेरा ए जॉब था, ठीक है। तो जैसे ही मशीन एक्स में जॉब ई खत्म हुआ, वैसे ही जॉब ए वो हाथ में ले लेगा मशीन एक्स, कितना टाइम लगा स्टूडेंट, 10 आवर्स, तो 10 आवर्स जब 46 में मैंने 10 प्लस किया तो मुझे कितना मिल गया, 56, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो 54 पे मेरा जॉब ई हो गया था, बट जॉब ई मशीन वाइज चालू कर सकता था 54 पे, नहीं, जब तक काम नहीं आएगा तब तक कैसे चालू करेगा, ठीक है। तो 56 पे मेरा क्या हुआ, वापस जॉब ए चालू होगा मशीन वाई पे, और टोटल टाइम कितना लगा, 4 आवर्स, ठीक है। तो 56 प्लस 4 गिव मी 60, करेक्ट, 56 प्लस 4 गिव मी 60। तो यहाँ पे मेरा ये जो टेबल है पूरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे फाइंड करना आइडल टाइम। देखो सबसे पहला आइडल टाइम 2 मिनट्स, क्योंकि मशीन वाई 2 मिनट्स, स्टार्टिंग के 2 मिनट्स बैठी हुई थी, कुछ काम नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे जब तक कंटिन्यूटी में आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये एरो जैसा है, जैसे कि जब तक कंटिन्यूटी में आएगा तब तक कोई आइडल टाइम नहीं रहेगा, और जैसे ये चेन ब्रेक हो गई तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 2 का।
तो हमारे यहाँ पे वो डिफरेंस आ जाएगा 2। यहाँ पे चेंज ब्रेक हो गई थी, यहाँ पे भी चेंज ब्रेक हो गई, आप देख सकते हो 54, यहाँ पे 56, तो कितना गैप है 2 का, तो यहाँ पे भी मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तो टोटल आइडल टाइम कितना हुआ, टोटल आइडल टाइम कम टू 6, 2 + 2 + 2 6 करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे टोटल आइडल टाइम मिल गया किसका, मशीन वाई का। मशीन एक्स का कितना होगा स्टूडेंट, 60। टोटल जो है टोटल टाइम कितना हुआ 60, जितना भी जॉब था सर मैं 60 आवर्स में कंप्लीट हो गया। अभी आइडल टाइम फॉर मशीन एक्स फाइंड करना, तो 60 - 56 जो कि कितना होगा स्टूडेंट 54, कितना होगा सॉरी 60 - 56 विच विल गिव मी 4, कितना आएगा अपना आइडल टाइम 4। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं, बता देते हैं आपको कैसे प्रेजेंट करना है। जो मिनिमम ऑप्टिमल ऑप्टिमल या टोटल लैप्स टाइम जो होगा वो कितना होगा 60 आवर्स जो कि मुझे यहाँ से मिला स्टूडेंट। नेक्स्ट आइडल टाइम जो है मशीन एक्स का वो कितना होगा, टी मतलब टोटल, टोटल इज 60 करेक्ट, माइनस सम ऑफ द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ 6 जॉब्स ऑन मशीन एक्स, ऑन मशीन एक्स विच इज 56। ठीक है, माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 4 आवर्स करेक्ट, और आइडल टाइम ऑफ मशीन वाई दिया हुआ 6। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा।